कितनी का है? 50 रुपए। अब वो वाला ये भी 50 मिल रहा है। कितनी का है ये? 50। 50 स्लीपर कितने का? 100 की दो जोड़ी है। 100 की दो चूड़ी कितनी का? 10 रुपए। कितनी का? 130 रुपए। 50 का मिल रहा है। कितनी? 10 के ना? 10 रुपए कोई 10 के मिल रहे। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे इयर रिंग्स 30 रुपीज की मिल, 30 का यहाँ पे सिर्फ 30 रुपए में इयर रिंग्स मिल रहे हैं। कितने का मिल रहा है एक पीस? 60 रुपए। सो हेलो दोस्तों, आप देखिए मैं सदर बाजार संडे मार्केट आई हुई हूँ और आप सब इस वीडियो में सदर बाजार संडे मार्केट देखेंगे। काफी सारी भीड़ होती है, हर चीज मिलती है यहाँ पे। ठीक है, कितने का मिल रहा है एक पीस? 60 रुपए। तो अभी जो आपने ये वाला सुना सिर्फ 60 रुपीज में मिल रहा था ना, ये 70 और 80 रुपीज में मिलता है। और मतलब संडे के अलावा और किसी दिन जाएंगे तो आपको 100 का मिलेगा, इसलिए आप संडे को ही जाना। ये सब चीज़ें नेकलेस जो होता है सस्ता मिल जाएगा और सही प्राइस पे, वो तैलीबारा रोड पे ज़्यादा सस्ता मिलेगा। और एक और रोड है वो भी बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ 30 रुपए में इयर रिंग्स मिल रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये सिर्फ 30 का है। और हाँ, इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बीच बीच में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करनी है। जैसे आप देख रहे थे ये वाला इयर रिंग्स वगैरह सिर्फ 30 रुपीज में मिल रहा था ना, तो ये भी मतलब सदर बाज़ार में इस टाइप का इयर रिंग्स एक दो जगह ही मिलेगा, लेकिन आप संडे को ये वाला लेंगे ना आपको पहाड़ी धीरज रोड के सामने मिलेगा। इस तरह के आपको पुराने पुराने कपड़े भी मिल जाएंगे। देखिए इस तरह यहाँ पे मिल रहा है ना पुराने कपड़े, और सब लेते भी हैं जिनको ज़रूरत होती है वो लेते हैं। देखिए ये कितने का दे रही है आंटी? ये कितने का दे रहा है बताओ ना? हाँ कितने, कितने का है? 150 का ये। देखिए ये पुराने वाले जो है 150 के सब लेते हैं। इस तरह के यहाँ पे भी पुराने कपड़े जो मिलते हैं, जो बर्तनों से बदल के नहीं लिया जाता है वो सब होता है। तो आप देख रहे ना, बस देखते रहना, आगे और भी चीजें बताऊंगी। चप्पल मिल जाएंगे। कितने का भाई चप्पल? भाई कितने का? 30 का। देखना 30 का ये चप्पल मिल रहा है। यहाँ पे घड़ी मिल रही है, कितने की है अंकल? नीचे वाला ये सब कितने का? अच्छा ये सब 150 है। उस आदमी को काम ही नहीं मिलता। फिर से चूड़ा मिल रहा है। हिसाब से बनते कोई उसके हिसाब से बड़े, आपके हिसाब से बन रहे हैं। उसमें भी कम दोगे तो इतना थोड़ी ना। बोल रही हूं 1100, आपने 1200 बना दिया ना। 1200 आपको मिल रहा है। कितने का मिल रहा? 30 का। देखिए यहां पे इयररिंग्स 30 रुपीस की मिल। तो जैसे अभी आपने सुना ये 30 रुपीस में मिल रहा था, ये वाला इयर रिंग्स होता है ना ये मतलब कहीं पे आपको 50 रुपीज में मिलेगा। कितने? 10 के ना? 10 रुपए कोई 10 के मिल रहे। देखिए यहाँ पे इसमें हर चीज़ आप चूज करके ले सकते हैं। तो देखिए संडे को आएंगे यही फायदा होगा आपको, हमें अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी और सस्ती इतनी मिलेंगी। और हाँ, अभी जो आपने सुना इस तरह का सिर्फ 10 रुपीज में मिल रहा था ना, आप चूज़ करके इसमें से कुछ भी ले सकते थे। इसमें जो होल सेल में लेना चाहते हैं वो कितना आसानी से ले सकते हैं ना बेचने के लिए। इसमें बहुत महंगा महंगा वाला भी मिल जाएगा जो आप बेच सकते हैं, मतलब 50 रुपीज में भी बेच सकते हैं सही बेनिफिट से। इतना भी बेनिफिट नहीं लेना आपको, मतलब सही से यहाँ से भी ले सकते हैं। हेयर मिल रहा है भैया, ये कितने का है? ये 50 का मिल रहा है। जैसे कि पिन अंदर तक घुस लगा दो, जूड़ा बना लो अपने बालों का तो ये चला जाएगा ना पूरे बालों में, छोटा जैसे छोटा। ये वाला हेयर कितने का है दिखाइए उनको? कितने का? 130 रुपए। 130 का है ये वाला। देखिए 130 का मिलेगा आपको, बार्गेन भी कर सकते हैं। देखिए यहीं पे इस तरह आपको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, संडे को सस्ता भी मिलेगा। देखिए पति मार्केट से आप होल सेल के लिए भी ले सकते हैं ना। देखिए संडे को कितना सस्ता मिलता है।
चूड़ियाँ दस रुपये दस रुपये दस रुपये दस रुपये सिर्फ दस की चूड़ियाँ मिल रही है वहाँ पे ये वाला स्लीपर कितने सौ की दो जोड़ी सौ की दो जोड़ी ये स्लीपर सिर्फ 50 के मिलते हैं देखिए तुम्हारे ये बढ़िया बढ़िया पायदान सौ रुपए का जान सौ रुपए का जान देखिए पायदान सौ से चार मिल रहा है हमने तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला शैम्पू आपको पता है ये दिल्ली की किसी भी पटरी मार्केट पे देखिएगा ये ब्रांड का जैसे आपको पेंटीन और क्लिनिक प्लस वगैरह मिलेगा और क्रीम हर चीज़ मिलेगा लेकिन ये सब कभी मत लीजिएगा ये सब एक्सपायर होता है हर बेकार होता है इसमें सर्फ भरा हुआ रहता है देखिए यहाँ पे पेन मिल रहा पेन और पेंसिल मिल रहा ये पेन दस एक पैकेट मिलता है कितने के पैकेट है 20 के मिल रहे देखिए वाले बैग सिर्फ 100 के मिल रहे कितने के 100 के मिल रहे देखिए और आप इस तरह का बैग देख रहे हैं इस तरह का जो बैग होता है हैंड बैग और आप जो मतलब यूज़ करते हैं इसका प्राइस ना इतना वेरिएशन होगा मार्केट में आपको किसी दिन 50 रुपीज़ में मिलेगा किसी दिन 100 का मिलेगा और कभी 150 का टू मिल रहा है फिर देख रहे हैं आप ये वाला पर्स ये सिर्फ 50 रुपए में मिल रहा था मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट था कितने का है ये 50 का क्योंकि सिर्फ 50 का मिल रहा है ये वही चलो मैंने 50 ये देखिए 50 का मिल रहा है सिर्फ थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि कोई सा भी इसमें जो पुराना भी है 80 रुपये 100 रुपये देखिए 50 का है ये भी 50 का मिल रहा है 140 रुपये बच्चों के लिए मतलब लड़कियों के लिए भी है बच्चों के लिए ये देखती नहीं है लोगों को हाँ ये वाला कितने का है 50 रुपए 50 रुपए और हाँ आपको इस तरह का स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे आपको किसी भी यूटेंसिल्स लेना है या भी कोई चीज़ लेनी है आपको सदर बाज़ार से किचन के लिए तो वो आपको लाहौरी गेट है एक रोड का नाम है लाहौरी गेट चांदनी चौक की तरफ जो रोड जाता है उसी रोड पे और फिर देख रहे हैं ये वाला दुल्हन सेट जो होता है ये दुल्हन सेट भी आपको मिलेगा ये क्लिप मैंने इसे बताने के लिए यूज़ कर लिया है ये पहले की वीडियो में से है शॉप नंबर 18 का फिर आप देख रहे हैं ये वाला आपको पता है पैड आपको इस मार्केट में सदर बाज़ार में बहुत जगह पे मिलेगा पैड मतलब आपको किसी जगह 50 रुपीज़ का 3 पीस मिलेगा और किसी जगह 5 पीस मिलेगा आप बार्गेन कर सकते हैं आपको इस तरह के फेक हेयर भी मिल जाएंगे वहाँ पे हेयर एक्सटेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी मार्केट से सस्ता सदर बाज़ार में ही मिलेगा लेकिन है ना आपको संडे को ही रिटेल पे मिलेगा रिटेल में और डेली जो सदर बाज़ार मार्केट लगती है उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि मैं डेली जाती हूँ तो मुझे पता चला क्योंकि जब डेली जाएंगे ना आपको तो एक दो पीस नहीं मिलेगा बहुत मुश्किल से मिलेगा
इस तरह का चूड़ा भी मिलेगा आपको सदर बाज़ार में ढेर सारा, बहुत जगह पे मिलता है और इसका प्राइस अलग अलग होता है। और हाँ, मुझे आप सबको ये बताना था कि सदर बाज़ार होल सेल शॉप जो बहुत अच्छी होगी और सिंगल पीस भी पार्सल करती होगी उसकी भी। तो देखिए आज मैं दिल्ली सदर बाज़ार आप सभी को दिखाऊंगी ये सदर बाज़ार। और आप क्या चाहते हैं मैं कैसी वीडियो इस चैनल पे डालूं तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। और आप सब पूछते हैं इंस्टाग्राम आईडी, तो इंस्टाग्राम आईडी है फैक्ट्स चैप्टर।